हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का मैच है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन वर्सेस क्वींसलैंड। तो मैं आपको बता दूं, इनके जो पास्ट में दो मैचेस हुए हैं, जो कि 2016 और 15 में हुए हैं, बहुत पहले मैचेस हुए हैं, बट उन मैचेस में क्वींसलैंड हमेशा विन किए। तो हम टीम बनाएंगे तो थोड़ा कुछ देखना पड़ेगा उसके लिए हमें। सबसे पहले तो हम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में बात कर लें तो जिमी पियर्सन जो है वो ओपनिंग करते हैं, बहुत ही पुराने प्लेयर हैं क्वींसलैंड के। तो आप जिमी पियर्सन को ही लें, बिकॉज हैरी नेल्सन बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं, उनकी बैटिंग भी नहीं आ पाती है, पर जिमी पियर्सन ओपन करते हैं तो उनकी बैटिंग आना भी पक्की है और अच्छे विकेट कीपर भी हैं, तो आप जिमी पियर्सन को ही लें। इसके बाद बैटिंग डिपार्टमेंट में उस्मान ख्वाजा जो कि कैप्टन है क्वींसलैंड के, इनको ले। परम उप्पल जो कि 3 से 4 ओवर डालते हैं, आपने देखा होगा पिछले मैच में इन्होंने बैटिंग ज़्यादा नहीं की थी बट इन्होंने 4 ओवर डाले थे, तो ये एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है बिकॉज बैटिंग बॉलिंग दोनों ही आएगी इसकी। तो परम उप्पल को हम लेंगे, जेक कार्डर को लेंगे, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया था, आप देख सकते हैं इनके पॉइंट्स। मैट रेंशो को हम लेंगे और यहाँ से मैं आपको चॉइस दे दूँ, आप चाहें तो मैक्स ब्रेंट को ले सकते हैं, ये भी ऊपर आते हैं, आप जो बंस को ले सकते हैं। फिर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में ब्यू वेबस्टर को लेंगे हम। वेबस्टर बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, 10 ओवर बॉलिंग करते हैं प्लस बैटिंग करते हैं ऊपर, तो मेरे हिसाब से यही एक चॉइस होंगे कैप्टन की या वाइस कैप्टन की। इनके अलावा आप किसी को भी लें बट इनको कैप्टन वाइस कैप्टन में ज़रूर रखें बिकॉज ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इसके बाद बैन कटिंग और माइकल नेसर को हम लेंगे, इनकी बैटिंग आती है, थोड़े नीचे आते हैं दोनों के दोनों, बट ये बॉलिंग करते हैं, 10-10 ओवर करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों ऑलराउंडर्स को लें प्लस वेबस्टर को लें, आपके पास 3 ऑलराउंडर हो गए। आप जोनाथन मैरलो को ले सकते हैं, इन्होंने पिछले मैच में 7 या 8 ओवर डाले थे, 2 विकेट भी लिए थे, बट हम ऐसे ऑलराउंडर ले रहे हैं जो बैटिंग भी करें और बॉलिंग भी करें, इसलिए हमने ये 3 ऑलराउंडर लिए हैं। इसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम देख लें तो स्वेप्सन को हम ले रहे हैं, मिचेल स्वेप्सन को। गाइस ब्लिस्टेन लेक नहीं खेलेंगे, ये इंजर्ड हैं तो इनको मत लीजिएगा। इसके बाद डेविड ग्रांट को हम लेंगे, ये 10 ओवर डालते हैं, और जैक्सन कोलमैन को हम लेंगे, ये भी 10 ओवर डालते हैं। तो गाइस हम देखें तो हमारे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 से 3 बॉलर हो गए हैं, जैक्सन कोलमैन, डेविड ग्रांट और वेबस्टर, जो कि टोटल 30 ओवर्स डालेंगे, और 30 ओवर्स जो कि 50 में से 30 ओवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें हमें कम से कम 5 से 6 और बल्कि 7 विकेट मिलने की उम्मीद है, तो हम अच्छे पॉइंट स्कोर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विन करेंगे। तो एक बार कैप्टन वाइस कैप्टन देख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया वेबस्टर को आप कैप्टन रखिए, वाइस कैप्टन रखिए, और आप उस्मान ख्वाजा को वाइस कैप्टन रख सकते हैं, मैट रेंशो को रख सकते हैं, इसके अलावा आप किसी ऑलराउंडर को रख सकते हैं, जैसे कि ये 2 ऑलराउंडर हो गए, बाकी यही चॉइस है। आप चाहें तो ये ओपनर्स को ले सकते हैं, कितना भी स्कोर करते हैं लोग, पर ब्यू वेबस्टर को आप बिल्कुल ना छोड़ें, इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन ज़रूर बनाएं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं, और आपकी चॉइस है कि वाइस कैप्टन आप जो अपने हिसाब से रखना चाहें। जिमी पियर्सन को भी रख सकते हैं, ये ओपनिंग करते हैं। तो गाइज़ ये हमारी टीम हो गई है, एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू में आप देख सकते हैं हमने क्वींसलैंड से 6 प्लेयर लिए हैं बिकॉज क्वींसलैंड हमेशा थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेलते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 से, इसलिए हमने क्वींसलैंड के 6 प्लेयर लिए हैं। और इसके अलावा हमने जो भी प्लेयर लिए हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 से वो बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर हैं, जैसे कि जे कार्डर हैं और बी वेबस्टर हैं, इन्होंने पिछले मैच में साबित किया था, तो इनको ज़्यादा कुछ इनके बारे में बताऊँगा नहीं बिकॉज ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इसके अलावा हाँ, जे कोलमैन और डी ग्रांट की आप कुछ और ले सकते हैं, बट गाइज मैंने फोकस किया है कि कौन ज़्यादा ओवर डाल रहा है बिकॉज ज़्यादा ओवर डालने में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है विकेट मिलने की, तो मैंने उस हिसाब से टीम बनाई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सकें। गाइज ये टीम ग्रैंड लीग के लिए भी अच्छी है और स्मॉल लीग के लिए भी अच्छी है। बस मैं आपको इतना बता दूं, आप बी वेबस्टर को बिल्कुल ना छोड़ें, एज अ कैप्टन चॉइस आप इन्हीं को रखें, वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से शफल कर लें। अगर आप वाइस कैप्टन में कुछ अच्छा रखना चाहते हैं तो उस्मान ख्वाजा को रख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर आते हैं, जे कार्डर को रख सकते हैं बिकॉज ये भी ऊपर आते हैं, जे पियर्सन भी ओपनिंग करते हैं तो आप इनको रख सकते हैं, बाकी बैन कटिंग और एम नेसर बहुत नीचे आते हैं बैटिंग में
और बॉलिंग में पता नहीं अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, तो मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन। तो गाइज़ ये हमारी टीम है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक्स कॉमेंट्स करें, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें मुझसे, मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करूँगा जैसा कि मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ सबको। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अभी अभी 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक यू गाइज़।